सबके सामने रोहित को अपनी बाहों में लेगी रूही। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहाँ आने वाले एपिसोड में आपको काफी सारा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। जी हाँ, आज के एपिसोड की शुरुआत दादी सा की सहेली आराधना के घर से होती है, जहाँ पोदार परिवार की सभी औरतें मंगला गौरी मनाने पहुँची है। अब यहाँ अबीरा हर रस्म और गेम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और जीत भी जाती है। एक गेम में तो अबीरा दादी सा तक को हरा देती है। दरअसल इस खेल में महिलाओं को अपने एक हाथ में घर गृहस्थी का सामान और दूसरे हाथ में फाइल्स रखकर एक टांग पर चलकर जाना होता है, और जो औरत बैलेंस बनाकर बिना कुछ गिराए अपने एंड पॉइंट तक पहुंचेगी वो जीतेगी। और इसका मतलब ये होगा कि वो औरत परफेक्ट है और वो घर और परिवार दोनों को बैलेंस कर सकती है। अब इस गेम में सभी हिस्सा लेते हैं। दादी सा और अबीरा में क्लोज मुकाबला होता है, लेकिन अचानक दादी सा का बैलेंस बिगड़ जाता है, जबकि अबीरा ये टास्क जीत जाती है। वहीं दादी सा की सहेली भी अबीरा की खूब तारीफें करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि विद्या और माधव भी दादी सा को अरमान और अबीरा की शादी को मंजूरी देने के लिए समझाते हैं, और वो दोनों दादी सा को कहते हैं कि अबीरा चाहे तो अरमान को परिवार से दूर लेकर जाकर शादी कर सकती है, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब दादी सा को भी परिवार के लिए अबीरा के द्वारा किए गए अच्छे काम याद आ जाते हैं, और एक बार को दादी सा को भी लगता है कि ये शादी करा देनी चाहिए। हालांकि दादी सा ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। वहीं आगे आप देखेंगे कि मंगला गौरी की पूजा में सिर्फ महिलाएं शामिल हो सकती हैं, इसलिए पोदार परिवार के सभी मर्द यहाँ लहंगा और चोली पहनकर घूंघट लिए अपनी अपनी पत्नियों से मिलने पहुंच गए हैं। लेकिन अबीरा अरमान को फौरन पहचान लेती है और इस तरह सारे मर्दों की पोल खुल जाती है। लेकिन इसके बाद ये सभी एक साथ मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं आज के एपिसोड में आपको अरमान और अबीरा का एक रोमांटिक डांस भी दिखने वाला है। अब जैसे ही ये डांस खत्म आने वाला होता है, तभी एक औरत रोहित के गले आकर लग जाती है, और जब वो पूरा सीन नजर आता है तो उसमें पता लगता है कि रूही अपना फैसला बदल कर वापस रोहित की जिंदगी में आना चाहती है, और वो रोहित से माफी मांग रही है कि उसने रोहित का प्यार नहीं पहचाना। और ऐसा लग रहा है कि दादी सा भी रूही के इस हिस्से में शामिल है। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या रूही सच में रोहित के प्यार के लिए वापस आई है, या फिर उसका प्लान अरमान को वापस अपने जाल में फंसाना है। वेल, ये तो अब देखना होगा टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में ही, जिसमें कहानी होने वाली है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।